आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से। आर्यन आ चुका है, चंचल मेडिकल, रिया यादव, आर्यन, ऋषि राज, प्रीति बेटा, निकिता शर्मा, यशिका। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा जल्दी से, आ जाओ लाइव सेशन में। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज का, और एक नंबर का मज़ा आएगा बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझने में। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, कल हमने लाइव क्लास नहीं ले पाए थे, थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी, और आज हम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। बेटा अपना वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर लेना, 360 पिक्सल पे या 480 पिक्सल पे। दिस इज आवर मास्टर लेक्चर नंबर 14, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब देखो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट करवाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ LR एंड ER। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही जबरदस्त है, एक नंबर का मजा आएगा, और आपके काफी फंडामेंटल्स क्लियर करेगा ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि LR और ER के ऊपर आपके मूल कॉन्सेप्ट, आपका स्टोकियोमेट्री, सब कुछ टिका हुआ है मेरे बच्चा। ये दो कॉन्सेप्ट भी इसके थ्रू शार्प हो जाएंगे। तो पहले मुझे चैट सेक्शन में ये बच्चे बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं चैट सेक्शन में ये बताओ कि मेरा बच्चा, कि आपको मेरे पढ़ाए हुए मोल कॉन्सेप्ट और स्टोकियोमेट्री के जितने भी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11, 13, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सारे लेक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एक एक न्यूमेरिकल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं कह रही है सर क्रिस्टल क्लियर है, प्रीति को भी है। चलो बेटा और बताओ, और कितने बच्चे हैं जिनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बेटा आपने मुझसे डाउट्स नहीं पूछे, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मतलब यही मानूंगा, है ना। क्योंकि मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट था वो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे क्वेश्चन सारे जेई मेंस और नीट के पूछे क्वेश्चन थे, और आपने वो क्वेश्चन किए थे बेटा। इसका मतलब आप नीट के और जेई मेंस के क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए, है ना मेरे बच्चों, बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों, ठीक है। हाँ, और अटेंडेंस देखना, आज 16 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, काफी बच्चे अब्सेंट है आज, तो बेटा अटेंडेंस जरूर देखना बेटा। प्रीति बेटा अटेंडेंस देखना, कितने बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं, ठीक है, या अटेंडेंस बोल के चले गए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो क्लास को स्टार्ट करें मेरे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करें। स्टार्ट करें मेरे बच्चों, चलो आ जाओ। बस बस बस, आप समझेंगे मेरे बच्चे सारे प्यारे प्यारे। बेटा पहले आपको LR और ER का मीनिंग समझाता हूं, और देखना आपको बहुत ही मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को अंदर, एक नंबर का कॉन्सेप्ट है ये। देखो LR का मतलब होता है फुल फॉर्म लिमिटिंग रिएजेंट, साथ साथ नोट्स बनाओ, नोट्स में बनवाता हूं आपको पता है। दूसरा है एक्सेस रिएजेंट, ER का मतलब होता है एक्सेस रिएजेंट, ये है LR और ये है ER, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है, सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, हमें तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर दो, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। आ जाओ आ जाओ, अब कोई बच्चा क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, पूरी लाइव क्लास अटेंड करनी है, एक नंबर की क्लास बनेगी आज। देखो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखता हूं बेटा। मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, और उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है सी। ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है।
मैं कह रहा हूं दो रिएक्टेंट है ए और बी, भाई जो लेफ्ट में लिखे जाते हैं बच्चा वो रिएक्टेंट होता है, जो राइट में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है। तो ए और बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सी बना रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जैसे एक इसका एग्जांपल लेता हूं, मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे दिया और CO2 बनता है गैस, कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन, CO2 बनता है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कह दिया बेटा कार्बन यहां पर है 3 ग्राम, सॉरी कार्बन यहां पर मैंने कह दिया 6 ग्राम है, कार्बन कितना है यहां पर 6 ग्राम, ध्यान से समझना बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कार्बन मैंने कह दिया यहां पर कितना है 6 ग्राम, और यहां पर मैंने ऑक्सीजन कह दिया वो है 36 ग्राम, कितना है 36 ग्राम। आपसे एग्जामिनर पूछ ले इसमें कौन सा LR है कौन सा ER है, बेटा मेरा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना, जिस बच्चे को समझ में आ गया मेरा ये कॉन्सेप्ट वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ध्यान से सुनना मेरा बच्चा। मैं कह रहा हूं एक रिएक्शन है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं मेरा बच्चा, CO2 बनाते हैं। मैंने बोला कार्बन कंबस्शन कितना कर रहा है 6 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो रहा है यूज हो रहा है 36 ग्राम, तो CO2 बन रही है। आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने इस दोनों में से कौन LR है और कौन ER है, लेकिन ध्यान ना रखना चाहे LR का कॉन्सेप्ट हो चाहे ER का कॉन्सेप्ट हो दोनों आंसर आपको रिएक्टेंट साइड से मिलेंगे। तो नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मेरे पास प्यारे प्यारे और जेई मेंस के, बेटा एक बात तो माइंड से निकाल दो, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो सीधे ही गलत होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट के ऑप्शन देगा और LR और ER का आंसर कभी प्रोडक्ट में नहीं होता, LR और ER का आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड का होता है क्योंकि LR और ER का मीनिंग ही रिएक्टेंट से मतलब है, LR और ER का मीनिंग ही मेरा बच्चा रिएक्टेंट से है। अच्छे से समझना अभी कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो अभी क्लियर करता हूं, डेफिनेशन बता देता हूं। देखो रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट है, रिएजेंट से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, रिएजेंट का मतलब मेरा बच्चा रिएक्टेंट, रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट है, तो आप कभी घबरा जाओ सर रिएजेंट रिएजेंट क्या वर्ड आ गया, बेटा जो चीज फालतू है, एक्सेस का मतलब क्या होता है जो चीज फालतू, जैसे मैं कह दूं मेरे अंदर 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है, आई कैन ईट 3 चपातीज मैक्सिमम, तो अगर मेरे को प्लेट में किसी पर्सन ने 5 चपाती सर्व कर दी तो बेटा मैं बताओ कितनी चपाती छोड़ दूंगा, बताओ जल्दी से, मेरे अंदर 3 चपाती खाने की कैपेसिटी है और मेरे को चपाती 5 सर्व कर दी जाए तो मैं कितनी चपाती छोड़ दूंगा, बताओ जल्दी, 2 चपाती में छोड़ दूंगा ना, 2 चपाती में नहीं खाऊंगा, क्यों, मेरी कैपेसिटी 3 चपाती खाने की है तो मैं 5 कैसे खाऊंगा, तो 2 क्या है एक्सेस, देयर इज 2 क्या है एक्सेस, तो जो चीज बच जाए जो चीज पूरी कंज्यूम ना हो, ध्यान से सुनना मेरे बच्चा, अगर मैं 5 की 5 चपाती खा जाता इसका मतलब मैंने उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, लेकिन मैंने 5 में से कितनी खाई 3 खाई तो 2 चपाती बच गई, तो जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम ना हो बच जाए उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि 2 चपाती फालतू है, फालतू का मतलब एक्सेस, तो एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन मिल गई बेटा, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है मेरा बच्चा, लिख लो डेफिनेशन, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, द रिएजेंट या द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड या नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मैं अब चेक करूंगा मेरे कितने प्यारे बच्चे हैं जो मेरा ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लीन समझ गए, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं, बेटा डेफिनेशन को रीड करो, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, मैं 5 चपाती मेरे प्लेट में डाल दी, मेरी कैपेसिटी 3 चपाती खाने की है, 2 चपाती फालतू है एक्सेस है, इसका मतलब वो बच जाएंगी,
वो कंज्यूम नहीं हो पा रही है। इसका जो रिएक्टेंट लेफ्ट बच जाए, रिएक्ट ही ना हो, जो रिएक्ट ही नहीं हो रहा वो तो बचेगा बेटा, विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, या जो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो केमिकल रिएक्शन में, उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, बहुत ही प्यारे बच्चे। रितिका को समझ में आ गया, ऋषिराज को आ गया, सृष्टि को आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्टल क्लीन कॉन्सेप्ट है। अब बेटा लिमिट, अब लिमिट पे आ जाओ। मेरी कैपेसिटी 3 चपाती खाने की है और किसी मेरे घर वालों को पता है, जैसे मैं बाहर गया, मैं बाहर खाना खाने के लिए गया, किसी ने मेरी प्लेट में 5 चपाती डाल दी, तो मैं 2 छोड़ दूंगा क्योंकि उनको मेरी कैपेसिटी नहीं पता। मेरे घर वाले जब मेरे को चपाती सर्व करेंगे तो 3 ही सर्व करेंगे क्योंकि उनको पता है कि नितेश सर की कैपेसिटी 3 चपाती खाने की ही है, तो मैं 3 चपाती खा लूंगा। इसका मतलब मैं 3 चपाती को कंप्लीटली कंज्यूम कर लूंगा। तो जो कंटेंट, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और जो बचे ही ना, उसको बोलते हैं लिमिटिंग, क्योंकि वो लिमिट में है बेटा, वो लिमिट में है। 3 मिली, 3 खा ली, है ना। तो डेफिनेशन बनाओ बेटा, डेफिनेशन ऐसे निकालने सिखा दूंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो LR का मीनिंग क्या है मेरा बच्चा, LR का मतलब लिमिटिंग एजेंट। तो द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। हाय हाय हाय, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। जो रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, बचे ही ना, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे बताओ दोनों डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरा प्यारा बच्चा बोलेगा। ऊपर कह रहा है आर्यन, कह रहा है एग्जांपल दो। बेटा एग्जांपल तभी दूंगा ना, अभी वो साइड में लिखा हुआ है, एग्जांपल देंगे। हो गया क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। चलो आ जाओ मेरे बच्चा, आप देखो डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए वो लिमिट में है, ठीक है, और जो पूरी तरह से कंज्यूम ना हो, बच जाए, वो है एक्सेस में। खाना बच गया इसका मतलब आपने फालतू डाल लिया था प्लेट में, अभी तो बचेगा, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, आप पूरा नहीं खा पाए क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डाल लिया। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब इस डेली लाइफ के एग्जांपल को, खाने पीने के एग्जांपल को हम केमिस्ट्री पे लगाएंगे, देखो कितना मजा आएगा। अब मुझे बताओ, अब अपने को यह चेक करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से, देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, हमें पता लगाना है कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा लिमिट में है और कौन सा एक्सेस में है। 1 मिनट में समझा दूंगा, बस मेरा प्यारा बच्चा ध्यान से सुनेगा, ठीक है। हाँ देखो बेटा आ जाओ, देखो यहां पर कार्बन कितना है, पहले एक्चुअल अमाउंट देखो। जब कार्बन और ऑक्सीजन की एक्चुअल रिएक्शन होती, ये बेटा एक्चुअल रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान इस पे हो, एक्चुअल रिएक्शन। तो कार्बन कितना बर्न होता है, 12 ग्राम, देखो ध्यान से, कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, है ना, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है मेरा बच्चा 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो CO2 कितनी बनती है 44 ग्राम, क्योंकि यहां पर लग गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का मास उतना प्रोडक्ट का मास मेरा बच्चा, 32 और 12 44, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है अगर मेरे को CO2 बनाना है 1 मोल, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 12 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम। तो मेरा बच्चा ध्यान से लगाओ दिमाग कि 12 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम O2 चाहिए, चाहिए ना। तो मेरा बच्चा 6 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, 16 ग्राम, लगाओ दिमाग। अरे 12 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम, और 6 ग्राम कार्बन को कितनी चाहिएगी, 16 ग्राम। यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा,
हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो बेटा मुझे ऑक्सीजन तो 16 ही चाहिए। अरे 6 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 16 चाहिए। तो मेरा बच्चा ऑक्सीजन एक्सेस में है। और कितना फालतू है, 36 में से 16 घटाओ 20 ग्राम ऑक्सीजन सर जी फालतू है, एक्सेस में है। मेरा प्यारा बच्चा कितनी बात समझ गया? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी प्यारी प्यारी बात को समझ गए? जल्दी बोलो, मैं कह रहा हूं 20 ग्राम ऑक्सीजन एक्सेस में है, समझ गए? हाँ बहुत ही प्यारा बच्चा, क्लियर है ना बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस रिजेंट है। क्यों है? ले तो लिया 36 ग्राम, यूज हो रहा है सारा 16 ग्राम, तो 20 ग्राम ऑक्सीजन फालतू है ना? फालतू का मतलब वो कंज्यूम नहीं होगी। जब कार्बन 6 ग्राम बर्न हो जाएगा तो CO2 बाद में नहीं बनेगी, CO2 नहीं बनेगी मेरा बच्चा। हाँ अब क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरा बच्चा। हाँ अभी मेरे को ये बताओ कि इस रिएक्शन में कौन बताएगा मेरा प्यारा बच्चा कि इन दिस रिएक्शन हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड? हाँ 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 अब आएगा मजा। अब बताओ जल्दी चैट बॉक्स में बताओ इस रिएक्शन में कितनी अमाउंट CO2 निकलेगी, ग्राम में बताओ, ग्राम में। मैं देखता हूं मेरा कितना प्यारा बच्चा है जो बिल्कुल राइट आंसर करता है। बस सृष्टि ने कितना प्यारा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, सृष्टि के लिए बहुत बढ़िया, तालियां हो। आर्यन ने 22 ग्राम, सृष्टि ने 22 ग्राम, प्रीति सिहाग 22 ग्राम, महक सैनी 22 ग्राम। देखो कितना प्यारा बच्चा है ना? आया कि नहीं आया मजा? बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, एक नंबर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, है ना? हाँ चलो 22 ग्राम क्यों बना बेटा? क्योंकि कार्बन 6 ग्राम है और 6 ग्राम कार्बन क्या है? LR। और बेटा जब कार्बन 6 ग्राम बर्न हो गया उसके बाद CO2 बनेगी ही नहीं। अरे CO2 के अंदर दोनों चीजें आती हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। और जब कार्बन पूरी तरह से सारा खत्म हो गया तो अकेले O2 से CO2 कैसे बनाओगे मेरा बच्चा? नहीं बनेगा ना। हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, देखो इसका मतलब ये है बेटा आप एक NDS सर का एक स्पेशल नोट लिख लो, नितेश सर का, NDS सर का एक स्पेशल नोट लिख लो मेरा बच्चा। वो स्पेशल नोट क्या है? वो स्पेशल नोट ये है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो अमाउंट है ना विल बी डिटरमाइंड बाई LR। हाँ प्रोडक्ट की अमाउंट बेचा हमेशा LR बताएगा, ER नहीं बताएगा, क्योंकि LR जब कंज्यूम हो चुका तो ER का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ER तो कितने बच्चों में फर्क नहीं पड़ता। जब कार्बन 6 ग्राम पूरा बर्न हो गया तो बाद में CO2 बनेगी ही नहीं बनेगी ना। हाँ देखो अब देखो 12 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी? 32 ग्राम। तो 6 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी? 16 ग्राम। तो 6 और 16 दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 22 ग्राम। उसके बाद CO2 नहीं बनेगी, 22 ग्राम के बाद CO2 नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कार्बन तो सारा खत्म हो गया और अकेले O2 से CO2 बन नहीं सकती। मजा आया? हाँ ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। हाँ चलो अब देता हूं क्वेश्चन, अब हो जाओ शुरू। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, अब ले अब बोछार होगी नीट JEE के क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे पास, एक नंबर के क्वेश्चन है, फाड़ू क्वेश्चन है। आ जाओ कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल उठाया मैंने, अब आ जाओ थोड़े से नीट JEE के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन। आ जाओ और आप वो क्वेश्चन कर सकते हो मेरा बच्चा। हाँ आ जाओ लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, ये
AIPMT नीट 2016 का क्वेश्चन है, मतलब आज से 5 साल पहले आया था क्वेश्चन, और अगर आपने कर दिया आप 5 साल आगे निकल चुके हो। ठीक है, तो सुनो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद, 1 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 0.56 ग्राम ऑफ O2, 0.56 ग्राम ऑफ O2 टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फार्मूला, ये डेफिनेशन, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। मैं पूछता हूं विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस एंड हाउ मच, यही तो कॉन्सेप्ट है मेरा प्यारा बच्चा, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और कितना एक्सेस में है। लगाओ दिमाग, मैं देखता हूं मेरा कौन सा बच्चा सही आंसर करता है। जो बच्चे क्लास को छोड़ के चले जाते हैं ना, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहते, और जो सीखना नहीं चाहता उसके ऊपर आप बंदी से नहीं लगा सकते, रोक नहीं सकते उस बंदे को। चलो करो आंसर, लगाओ मेरा बच्चा। हाँ एक बात और सुन लो, किरसन सरावत ने आंसर कर दिया 0.16 ग्राम मैग्नीशियम इज लेफ्ट इन एक्सेस। देखो कितना प्यारा बच्चा है, मैग्नीशियम एक्सेस रीजेंट है। चलो इतना आंसर तो आ गया, इतना आंसर तो आ गया। मेरा बच्चा आंसर सुनेगा, अब मेरा बच्चा आंसर सुनेगा। बेटा जब भी LR और ER के क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो मेरी बात एक गांठ बांध लो, आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। काफी बच्चे ये समझते हैं सर हम एक फायदा उठा लेंगे, बेटा रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, मस्ट बी बैलेंस्ड, ध्यान रखना। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यू विल नॉट गेट टू नो कि हाउ मच एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग। ठीक है मेरा बच्चा, हाँ आपको पता ही नहीं चलेगा रिएक्टेंट एक्चुअली रिएक्ट कितना कर रहा है, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। एक्चुअल मोल कितने रिएक्ट कर रहे हैं ये भी नहीं पता चलेगा, तो पहले रिएक्शन बनाओ। मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से होती है, मेरा बच्चा मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। रितिका ने आंसर कर दी, बहुत ही प्यारा बच्चा। देखो बैलेंस करो, O2 कितना है, यहां 2 लगाओ, यहां मैग्नीशियम 2 लगाओ, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 × 24, 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है यहां पर। O2 कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 मैग्नीशियम का वेट होता है 32। उसका वेट मत देखो, प्रोडक्ट के वेट से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट के वेट से मतलब तब होता है जब प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी जाए, न्यूमेरिकल में प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी जाए तब प्रोडक्ट के वेट से मतलब है, नहीं तो मतलब ही नहीं है, इन दोनों से मतलब है। अब देखो मेरा बच्चा, अब देखो मेरा बच्चा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, कितना मैग्नीशियम चाहिए, 48 ग्राम, ध्यान से समझना, 32 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कितना मैग्नीशियम चाहिए, 48 ग्राम, 1 ग्राम ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 48/32 मेरा बच्चा, और कितनी ऑक्सीजन है, 0.56 ग्राम, तो 0.56 ग्राम को कितना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 0.56। मेरा बच्चा सोल्व करो इसको, सोल्व करके बताओ कितना आता है, सोल्व करके बताओ कितना आता है, सोल्व करके बताओ मेरा बच्चा। क्या बात,
आंसर करके चुप हो गए। बेटा आंसर करो, चैट रुक गई लगता है। हाँ 0.84 आएगा, सही है। देखो इधर कर लेते हैं, 48/32 मल्टीप्लाई बाई 0.56। पहले देखो 16 से कर लो, 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32, अब 2 पे जाएगा 56, 0.28, 0.28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 0.84 ग्राम मैग्नीशियम, है ना। अब देखो मेरा प्यारा बच्चा, 32 ग्राम ऑक्सीजन को कितना मैग्नीशियम चाहिए, 48 ग्राम। 1 ग्राम को कितना चाहिए, डिवाइड कर दिया, 0.56 को कितना चाहिए, इतना मैग्नीशियम चाहिए। और आपको एग्जामिनर ने दिया कितना है, 1 ग्राम, इसका मतलब चाहिए तो कितना, 0.84, दे कितना दिया, 1 ग्राम, इसका मतलब फालतू है, चाहिए तो 0.84 है और डाल दिया थाली में 1 ग्राम, तो क्या कहेंगे, मैग्नीशियम क्या है, ER है मेरा बच्चा, एक्सेस रिएजेंट, और कितना है, आप गिवन अमाउंट में से एक्चुअल अमाउंट घटा दिया करो, पता चल जाएगा कितना है, गिवन कितना है 1 ग्राम और एक्चुअल कितना चाहिए 0.84, तो मेरा बच्चा 0.16 ग्राम मैग्नीशियम एक्सेस में है। मैं देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आंसर किया था मेरा बच्चा किरसन सरावत ने, ठीक है, तो किरसन सरावत के लिए जोरदार तालियां हो जाए पहले तो, फिर सृष्टि के लिए तालियां हो जाए, इन्होंने सबसे पहले आंसर किया। प्रीति सिहाग, सुमेधा ने बहुत अच्छा आंसर किया बेटा, सुमेधा बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। ऋषिराज शालीन ने भी बहुत अच्छा आंसर किया। प्रीति चरण जाट, ये मतलब ये बच्ची कौन है, मैं नाम भूल गया, चरण जाट क्या नाम था इसका बेटा, नाम बताओ एक बार, कशिश है शायद, आई थिंक कशिश नहीं है, कशिश नहीं है, ये बच्ची कौन है यार, नाम भूल गया मैं। सृष्टि मेडिकल, तो अच्छे बच्चा, पूजा शर्मा, गौरव चौधरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, महक बच्चा बहुत ही प्यारा है, ठीक है। रॉयल तुषार, बहुत ही प्यारा बच्चा, चलो चलो, अच्छा अच्छा तनीषा, तनीषा बेटा, तनीषा, हाँ बेटा याद आ गया, याद आ गया, सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो क्लियर है बच्चा, मुझे बताओ ये मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लीन है आपको, कि सर LRER के और भी जबरदस्त क्वेश्चन दो हम करेंगे। लेवल बढ़ाओ, हाँ लेवल बढ़ाओ सर जी, लेवल बढ़ाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नितेश सर आए, एक ट्रिक और बताएंगे आपको, नितेश सर आपको एक ट्रिक और बताएंगे मेरा बच्चा, कि सर LRER के क्वेश्चन अगर वेट की सेंस में ना करे, मोल की सेंस में कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो मोल की सेंस में और सिखाता हूं, ठीक है बच्चा, देखो ट्रिक टू डिटरमाइन LR and ER। अब नितेश सर LRER निकालने की ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है मेरा बच्चा, सबका ध्यान बोर्ड पे हो, ठीक है। देखो वो ट्रिक क्या है मेरा बच्चा, देखो जैसे मान लो एक रिएक्शन है, उसमें A प्लस B आपस में रिएक्ट करके C बना रहे हैं, ठीक है। A के मोल है स्मॉल A, B के मोल है स्मॉल B, ये मोल्स है, मोल्स, ठीक है, हाँ मोल्स होते हैं बेटा ये। जैसे आपने मैग्नीशियम के आगे 2 लगाया था तो मैग्नीशियम के 2 मोल थे, ठीक है। MgO के आगे 2 लगाया था तो MgO के 2 मोल थे, तो A और B क्या है, मोल्स है, ठीक है, हाँ एक्चुअल मोल। तो A और B यहां पर क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स किसके, रिएक्टेंट के, ठीक है। और मान लो
किसी रिएक्शन में आपको गिवन कह दिया, गिवन में ए के मोल एक्स हैं और बी के मोल वाई हैं। ध्यान से सुनना, एक्चुअल मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए और बी, एग्जामिनर ने गिवन कह दिया गिवन मोल कितने हैं, ए के एक्स मोल है बी के वाई मोल है, तो लिमिटिंग एक्सेस रीजन निकालने का पता सुन लो, ट्रिक सुन लो, गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल दोनों को डिवाइड करके देख लो, जो क्वांटिटी कम आ रही है जिसके विद रेस्पेक्ट टू कम आ रही है वो लिमिटिंग रीजेंट है, ये क्वांटिटी जिसके विद रेस्पेक्ट टू ग्रेटर आएगी वो आपका ईआर है। प्रूव करके दिखाओ, देखो दो दो केस बनेंगे, केस वन, केस वन क्या है, गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल क्या आएगा, एक्स बाई ए, और इधर करो गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल वाई बाई बी, ये बन गया पहला केस। देखो अगर मैं साइन इधर कर दूं, ध्यान से समझना मेरा बच्चा, अगर मैं साइन इधर कर दूं तो बताओ किसके विद रेस्पेक्ट टू है, एक्स किसके विद रेस्पेक्ट टू है, ए के, और वाई किसके विद रेस्पेक्ट टू है, बी के। तो समझ में आया, तो यहां पर कौन सी क्वांटिटी कम है, इधर की क्वांटिटी कम है, इसका मतलब है अगर ये केस लग गया, अगर ये केस लग गया तो यहां पर आपका ए क्या है एल आर और बी क्या है ई आर। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्वांटिटी देखनी मेरा बच्चा, जिसकी ज्यादा है वही ईआर होगा। बहुत ही प्यारे बच्चे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल करेक्ट आंसर करते हैं। राकेश कह रहे रिपीट करो, अभी लो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो फार्मूला क्या है, गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल, गिवन मोल न्यूमेरिकल में दिए होंगे, देखो गिवन मोल कौन से, जो न्यूमेरिकल में एग्जामिनर देगा, और एक्चुअल जो आप रिएक्शन बनाओगे, है ना, गिवन मोल तो न्यूमेरिकल में मिलेंगे और एक्चुअल मोल आप बनाओगे रिएक्शन को, हाँ तो गिवन मोल को एक्चुअल मोल से डिवाइड कर दो, x बाई ए कर लिया y बाई वी, यहां पर x बाई ए कम है, अब x किसके विद रिस्पेक्ट टू, देखो x किसके विद रिस्पेक्ट टू है a के, तो x कम है ना, x बाई ए कम है, इसका मतलब a लिमिट में है b एक्सेस में है। दूसरा केस बनाओ, केस नंबर टू बनाओ, बाबा प्रणाम प्रणाम बेटा प्रणाम, बस बस इतना इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। देखो केस टू, दूसरा केस देखिए मेरा बच्चा, उल्टा कर दो, अगर x बाई ए है और ये ज्यादा हो जाए y बाई बी से, तो उल्टा कॉन्सेप्ट पड़ गया, अब की बार a तो er हो गया मेरा बच्चा और b क्या हो गया lr, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारे से नोट्स बना लो, एसके एसके रहने दे बेटा, वैसा बहुत हो गया, चलो समझ गया मेरा बच्चा, कोई डाउट नहीं है, हाँ आप देंगे नितेश सर एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट बना के लाया हूं आपके लिए स्पेशल, अभी आएगा मजा, आ जाओ मेरा बच्चा आएगा मजा, एक नंबर का कॉन्सेप्ट लाया हूं, ठीक है, हाँ ये ट्रिक याद रखना, मिटा रहा हूं इसको, कॉन्सेप्ट फेल नहीं होंगे, और बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, आप चाहे 50 बुक उठा लो, आपको ये ट्रिक किसी बुक में मिल जाए तो नहीं मिलेगी बेटा, दिस इज अ स्पेशल स्पेशल ट्रिक मेड बाय योर नितेश सर, नहीं मिलेगी। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझेगा मेरा प्यारा बच्चा, क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ मीथेन
5 मोल्स ऑफ मीथेन आर बर्नट विद एट मोल्स ऑफ ओ टू वेल तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। विच इज, ये मैंने ट्रिक बताई ना, ये वाली लगाओ अभी, जो अभी अभी बताई ताजा ताजा, वो ट्रिक लगाओ। कौन सा LR है विच इज इन एक्सेस एंड हाउ मेनी मोल्स, कौन सा एक्सेस में है और कितने मोल एक्सेस में है, ठीक है। और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, CO2 के अमाउंट निकालो ग्राम में। और बेटा दिस इज द क्वेश्चन ऑफ JEE। अब आप कहोगे सर जी नीट किसे ऊपर का स्टैंडर्ड है, JEE का क्वेश्चन है। ठीक है मेरा बच्चा, आ जाओ। ठीक है आ जाओ, आप देखिए ध्यान से समझना, कौन सा LR है और कौन सा ER है। रिएक्शन बनाओ, पहले पहले बनाएंगे एक्चुअल रिएक्शन। मीथेन की रिएक्शन O2 से होती है, CO2 और वाटर बनता है। मेरा बच्चा क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है, ध्यान से समझना। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया सर O2 LR है, अभी निकालेंगे बेटा, अभी निकालेंगे। और बाकी क्वेश्चन के आंसर करो। रितेश कह रहा है सर जी कहो तो हम भी पढ़ ले। बेटा पढ़ने का क्या है, पढ़ने की कोई बुराई थोड़ी है, कहीं से पढ़ो। देखो पहले रिएक्शन को बैलेंस करता हूं, क्या बताया थी ट्रिक नितेश सर ने, पहले कार्बन को राजी करो, फिर हाइड्रोजन को राजी करो, फिर ऑक्सीजन को राजी करो। पहले कार्बन को राजी करते हैं, कार्बन एक कार्बन राजी है, पहले से राजी है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, उधर कितने हैं, 2 लगाओ मेरा बच्चा, हो गया हाइड्रोजन राजी। ऑक्सीजन को राजी करो, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ 2 लगाओ, ये एक्चुअल रिएक्शन बैलेंस हो गई। पहले गिवन मोल लिखो, पहले पता क्या लिख लिया करो, गिवन मोल, ताकि डिवाइड करने में आसानी रहे। गिवन कितने हैं, गिवन देखो 5 मोल इसके और ऑक्सीजन के कितने, 8 मोल, ऐसे गिवन लिख लिया करो, क्योंकि गिवन के नीचे एक्चुअल डिवाइड कर दो आंसर आ गया। गिवन कितने हैं, 5 और 8, एक्चुअल कितने हैं, मीथेन के 1, मीथेन का तो 1 ही है ना, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ये तो आया 5 और ये आया 4, भाई ये आया 5 और ये आया 4, बताओ कौन सा टर्म ज्यादा है, 4 कम है 5 ज्यादा है, 4 किसके विद रिस्पेक्ट टू कम है, O2 के। तो मेरा बच्चा LR कौन है, O2, पहला आंसर आ गया। मेरी ट्रिक काम आई कि नहीं आई, अरे बच्चा ट्रिक काम आई कि नहीं आई, चलो आ जाओ। अब मेरा प्यारा बच्चा अगला कॉन्सेप्ट समझेगा। अब देखो एक बात और ध्यान से सुनो, अगर किसी रिएक्शन में 2 ही रिएक्टेंट है मेरा बच्चा, तो अगर ये LR हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ER हो गया। तो कौन सा एक्सेस में है, कौन सा एक्सेस में है, मीथेन एक्सेस में है, कितने मोल एक्सेस में वो निकाल लो, कितने मोल एक्सेस में है ये निकाल लो मेरा बच्चा। ठीक है आ जाओ, इसको मिटा दूं, ये नीचे का तो होएगा कॉन्सेप्ट। हाँ चलो अगला देखो, एक्सेस में देखो कौन सा है। अब देखो, अब ध्यान से समझेगा मेरा बच्चा। बेटा अगर मैं बोलूं कि 2 मोल ऑक्सीजन को 1 मोल मीथेन चाहिए, एक्चुअल देखो, एक्चुअल मेरा बच्चा एक्चुअल, अरे 2 मोल ऑक्सीजन को
दो मोल, एक्चुअल देखो, एक्चुअल एक्चुअल से गिवन पे जाओ, दो मोल ऑक्सीजन को एक मोल मीथेन चाहिए, है ना। तो मेरा बच्चा आठ मोल ऑक्सीजन को चार से गुणा कर दो, देखो दो मोल ऑक्सीजन को एक मोल चाहिए, तो आठ मोल ऑक्सीजन को कितने चाहिएंगे, चार मोल। मीथेन कितने चाहिए, चार मोल चाहिए ना, लेकिन चार मोल नहीं है, गिवन कितने हैं, पांच मोल। एक मोल फालतू है, एक मोल मीथेन फालतू है, तो लिख दो मीथेन ईआर है और कितना, वन मोल एक्सेस में। मेरा बच्चा यहां तक क्रिस्टल क्लीन है, यहां तक क्रिस्टल क्लीन है। यहां तक क्रिस्टल क्लीन है मेरा बच्चा। बहुत ही प्यारा बच्चा। चमका के नहीं चमका, अरे कॉन्सेप्ट माइंड में चमका के नहीं चमका, बोलो सर जी चमका, एक नंबर से चमका। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन और बस गया, CO2 कितना बनेगा। और मेरा बच्चा इसकी ट्रिक बताता हूं, इसकी भी ट्रिक बताता हूं, जाते जाते एक नंबर का कॉन्सेप्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने वाला हूं। चलो मैं कहता हूं प्रोडक्ट की अमाउंट कौन बताता है, LR बताता है। तो बेटा LR और जो आंसर पूछ रहा है उसको छोड़ो, बाकी मिटा दो। ट्रिक बता रहा हूं बहुत जबरदस्त, प्रोडक्ट के अमाउंट कौन बताता है, LR। तो LR को छोड़ो, और किसका आंसर पूछ रहा है, CO2 का, इसको छोड़ो बाकी मिटा दो, इससे मतलब ही नहीं है। अरे इनसे मतलब ही नहीं है हमें, ना मिथेन से मतलब है, ना वाटर से मतलब है, बस इससे निकल जाएगा। अब आ जाओ मेरा बच्चा, दिमाग लगाओ, बताओ यहां पर ऑक्सीजन तो लिमिट में है, सारी कंज्यूम हो रही है, तो दो मोल ऑक्सीजन, ध्यान से बच्चा समझेगा, दो मोल ऑक्सीजन CO2 कितना बना रहा है, एक मोल, है ना। और कितना गीवन है, आ जाओ आठ मोल गीवन है। तो अगर दो मोल एक मोल बना रहा है तो आठ मोल ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनाएंगे CO2 के, चार मोल। और CO2 के चार मोल का वेट निकाल लो, एक मोल का 44, चार मोल का 176 ग्राम आंसर आएगा। बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राइट आंसर किया है, नहीं बेटा 176 तो कोई पहुंचा ही नहीं, नहीं बेटा 176 आंसर आएगा इसका, आपने एक्चुअल दिमाग लगा दिया, मैं गीवन पे जा रहा हूं। अरे आंसर गीवन से निकाला करो मेरे बच्चों, आपने एक्चुअल से निकाल दिया, आंसर गीवन से निकाला करो, 176 आएगा। हाँ मेरे बच्चा आंसर गीवन से निकाला करो, गीवन से, दो मोल से एक मोल, आठ मोल से चार मोल, एक मोल का वेट 44, चार मोल का 44 गुना चार 176। हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरा बच्चा। जेई का क्वेश्चन है, हल्का फुल्का नहीं है, नोट करो, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। आप कहोगे सर जी मजा आ गया, क्वेश्चन करने में मजा आ गया। क्लास लेने का मजा तब आता है जब क्लास में क्वेश्चन भी बड़े नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे हो, है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये दिमाग के ढक्कन खोलेगा आपके। बेटा मैग्नीशियम सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में बर्न किया आपकी बार, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो ऑक्साइड बनता है,
नाइट्रोजन की प्रेजेंस में करेंगे तो नाइट्राइड बनेगा। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा यहां पर मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ चैट बॉक्स में बताओ, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा क्या फार्मूला है? मैं भी तो देखूं कितने बच्चों को नॉलेज है नाइन्थ टेंथ की। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखो मेरे बच्चों। देखते हैं कौन बच्चा सबसे फास्ट आंसर करता है। लगाओ बेटा वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाओ, नाइन्थ में सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तनुज ने आंसर किया है Mg3N2। बहुत ही प्यारा बच्चा। और बताओ तनुज को कौन बच्चे फेवर करते हैं? तनुज को कौन कौन बच्चा फेवर करता है? तनुज बेटा आप नॉन मेडिकल में हो गया? तनुज बेटा आप नॉन मेडिकल से हो? सृष्टि बेटा नाइट्रेट नहीं पूछा। कृष्ण बेटा मैंने नाइट्रेट नहीं पूछा। नाइट्रेट, अरे यार याद हो गई, नाइट्रेट नहीं पूछा, नाइट्राइड मेरा बच्चा, नाइट्राइड नहीं, गलत जा रहे हो। ये मैग्नीशियम है, ये नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है, ध्यान से सुन लो, जब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है इसको नाइट्राइड कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन पे -2 होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। नाइट्रोजन पे -3 को नाइट्राइड कहते हैं। मैग्नीशियम पे दुनिया को पता है +2 होता है, मैग्नीशियम पे कितना होता है? +2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर बनेगा Mg3N2। बेटा छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको केमिस्ट्री सिखाने आया हूँ, केमिस्ट्री का बर्डन मत बनाओ, केमिस्ट्री को इंजॉय करो, केमिस्ट्री से प्यार करो, दिल्लगी रखो, चाहत रखो, ठीक है? हाँ, केमिस्ट्री, जैसे एक वर्ड आता है ना केमिस्ट्री, जो हम कहते हैं कि दो बंदों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है ना? ऐसे ऐसा वर्ड आपने सुना होगा कि उन दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती, उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। केमिस्ट्री का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग है बेटा। अगर आपकी मेरी बातें आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं, अगर मेरी बातें आपके कान के पर्दे नहीं खोल पा रही हैं, दिमाग के ढक्कन नहीं खोल पा रही है, तो बेटा लेक्चर को बार बार देखो। केमिस्ट्री से प्यार तब होगा जब आप केमिस्ट्री को समझोगे, है ना? केमिस्ट्री से बॉन्डिंग होगी तो आपकी केमिस्ट्री से भी एक केमिस्ट्री बन जाएगी, है ना? केमिस्ट्री से एक केमिस्ट्री बन जाएगी, और केमिस्ट्री से अगर केमिस्ट्री बन गई तो बेटा केमिस्ट्री कभी दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बन गया, मजा आया कि नहीं आया, है ना? हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ो। फॉर्मूले बनाने सीखो मेरा बच्चा, फॉर्मूले आने चाहिए। चलो आ जाओ, क्या फॉर्मूला बना? Mg3N2, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन सुनो मेरा, क्वेश्चन सुनो पहले, क्या है क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, ये 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 36 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से, ठीक है? क्वेश्चन सुनो मेरा, डायरेक्ट पूछ रहा हूं, मुझे LREER से मतलब नहीं हो, तुम खुद निकालो। मैं कहता हूं हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड, कौन बच्चा मुझे बताएगा? देखता हूं किस में कितना है दम। ऑप्शंस आर A, B, C, D, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं देखता हूं कितने बच्चे में दम है एक क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने निकाल दिया, मेरी तरफ से गिफ्ट। पहले LR निकाल लो, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बिना LR के नहीं निकलेगी।
आज मैं वेट ही करता हूँ कि इस बच्चे में दम है इस क्वेश्चन को करने का। देखे जरा किस में कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया। करो भैया। अरे आंसर नहीं आ रहा, क्या बात, चैट सेक्शन ऑफ हो गया क्या? आंसर आ गया होगा मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इतने वीक तो नहीं है शायद। हमारा नेट ही चला गया। बताओ बेटे, अभी तक आंसर नहीं आ रहा। किरसन शेरावत 50 और निकालो। महक 50, प्रीति 50, मिटा दिया प्रीति ने। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। किरसन शेरावत को 50 नहीं लगता। महक बेटा आप श्योर हो? महक सैनी बेटा आप श्योर है 50 ग्राम के लिए? महक श्योर नहीं है बेटा। कॉन्फिडेंस तो रखो अपने ऊपर महक बेटा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। क्या पता 50 ग्राम आंसर सही हो, तो डोंट फील डिमोरलाइज, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि सर मैंने आंसर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। हाँ 50 ग्राम है, हाँ श्योर होना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो बच्चा। मैक ने आंसर किया है फिर आवाज अप टू 100 कर दिया। अच्छा अच्छा किरसन ने क्या है 50 ग्राम पे श्योर है। अच्छा अच्छा और कौन बच्चा श्योर है? पारस सैनी 50 ग्राम पे श्योर है। अरे 50 ग्राम पे श्योर है, चलो कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देशर दो, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा और आपको दोनों तरीके पसंद आएंगे मेरा बच्चा, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन को नोट करो। मैं स्क्रीनशॉट ले लो, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं इसको मिटा रहा हूं। आ जाओ पहले समझो इसको, इसकी गहराई को समझो, इस क्वेश्चन की गहराई को समझो, पहले बैलेंसिंग करेंगे। मैग्नीशियम प्लस N2 Mg3N2, मेरा बच्चा बैलेंस करेगा। Mg3 है, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया, कुछ भी नहीं है। देखो अब दिमाग लगाओ, एक मैग्नीशियम का वेट होता है 24, 3 का कितना होता है 72, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का कितना होता है 28, ठीक है। आ जाओ करते हैं, दिमाग लगाते हैं। मेरा बच्चा ध्यान से समझेगा, मेरा बच्चा ध्यान से समझेगा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ अब देखो, क्लियर है? तनुज कह रहा है 72 ग्राम। 72 ग्राम कैसे आ गया बेटा? नहीं नहीं नाइट्रोजन 28 ग्राम आएगा, N2 है ना, हाँ 3 मैग्नीशियम का 24 के 72 ग्राम हो गया, ठीक है। हाँ अब आ जाओ देखो, 72 ग्राम मैग्नीशियम को, 72 ग्राम मैग्नीशियम को नाइट्रोजन कितना चाहिए? 28 ग्राम चाहिए ना, 72 ग्राम मैग्नीशियम को नाइट्रोजन चाहिए 28 ग्राम, ठीक है। तो भैया
36 ग्राम को कितना चाहिएगा? गीवन से देखो, एक्चुअल को गीवन से कंपेयर करो, 72 ग्राम को 28 ग्राम चाहिए, तो 36 ग्राम को कितना चाहिएगा? आधा करो, 72 को 28 चाहिए तो 36 को कितना चाहिए? केवल 14 ग्राम नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना दे रखा है? 56 ग्राम। इसका मतलब है एक्सेस में कौन है? नाइट्रोजन एक्सेस में है। तो आपका नाइट्रोजन क्या है? 14 ग्राम चाहिए बेटा। देखो 72 ग्राम को चाहिए 28 ग्राम, तो 36 ग्राम को कितना चाहिए? 14 ग्राम। इसका मतलब है N2 क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। और कितने एक्सेस में है? 56 में से 14 घटाओ, 42 ग्राम एक्सेस में है। 14 ही चाहिए, दे रखा है 56, 42 ग्राम एक्सेस में है। हाँ कर दिया, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब है LR पता चल गया अपने को। LR कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम LR है। अब मैग्नीशियम से निकाल लो, LR पता चल गया, ER मिटा दो, आंसर आ गया। मैं आपको यही तो बोला था, जब LR पता लग जाए तो ER को मिटा दो। अब ये डायरेक्ट रिलेशन है, अब ये डायरेक्ट रिलेशन है मेरा बच्चा, ठीक है। हाँ अब देखो, 3 नाइट्रोजन का वेट 72 भाई, 24 72 और 2 नाइट्रोजन का 28, 72 28 कितना होता है? 100 ग्राम। कितना है मेरा बच्चा? 100 ग्राम। तो अब देखो 72 ग्राम यूज करते हैं तब कितना बनता है? 100 ग्राम। हो गया, ये देखो, जब 72 ग्राम मैग्नीशियम यूज होता है तो ये कितना बनता है? 100 ग्राम। तो 36 ग्राम जब यूज होएगा, एक्चुअल में देखना, एक्चुअल कितना दिया हुआ है? गीवन पे नहीं, गीवन पे देखना है। 36 ग्राम गीवन है, तो गीवन से चेक करना है। 72 ग्राम से 100 ग्राम बनता है तो 36 ग्राम में कितना बनेगा? 50 ग्राम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बच्चा? मैं एक बेटा, आप क्लियर है? चलो बेटा, डरा मत करो, करो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही मत डरो। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बता के जाता हूं, ठीक है। हाँ और देखो, तो भी आंसर सही आएगा। LR निकालने का दूसरा तरीका देखो, देखो मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजन से, क्या बना रहा है? Mg3N2। बेटा मोल से करते हैं, मोल वाले तरीके से, ठीक है। तो 3 मोल और 2 1 और 1 हो गया। पहले गीवन देखो, गीवन मोल कितने हैं और एक्चुअल मोल कितने हैं? एक्चुअल मोल तो पता है 3 और 1, गीवन मोल नहीं पता। तो मोल निकालने का फॉर्मूला लगाओ। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गीवन वेट अपॉन मोलर वेट। अरे गीवन वेट अपॉन मोलर वेट होता है मोल निकालना। तो गीवन वेट कितना है? देखो मैग्नीशियम दे रखा है 36 ग्राम। अरे मैग्नीशियम कितना दे रखा है? 36 ग्राम। और मैग्नीशियम का मोल निकाल लो, गीवन वेट 36 और मैग्नीशियम का मास 24, कितना आ गया? 3/2 मोल आ गए। तो यहाँ पर गीवन मोल कितने हैं? 3/2, ठीक है, हो गया। नाइट्रोजन कितना दे रखा था? 56 ग्राम। तो 56 ग्राम में मोल कितने आएंगे? गीवन वेट 56 और नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28। N2 का देखना, N2 का 28 होता है बेटा। N2 का कितना होता है? 28। कितना आएगा? 2 मोल आ गए। इसके कितने मोल आ गए? गीवन 2 मोल। याद है, क्लियर है मेरा बच्चा? कोई डाउट नहीं है? हाँ आप समझेंगे, आप ध्यान से समझेगा, दोनों को डिवाइड कर लो। क्या ट्रिक बताई थी सर ने? गीवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल।
गिवन मोल अपॉन एक्चुअल, एक्चुअल कितने हैं 3, गिवन मोल 2 अपॉन एक्चुअल 1, ठीक है 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पर आया 1/2, यहां पर आया 2, तो 1/2 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है बेटा, आंसर आ गया ना। तो 1/2 किसके रिस्पेक्ट टू है पता चल गया, मैग्नीशियम LR है, मैग्नीशियम क्या है LR है, बस अब कर लेते आंसर आ जाता। तो अब देखो अमोल का आंसर कैसे निकालोगे, देखो मोल में ऐसे निकलेगा 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 1 मोल, मैग्नीशियम नाइट्राइड का कितना मोल बनाता है मेरा बच्चा 1 मोल। देखो अगर मैग्नीशियम के 3 मोल लेते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का कितना मोल बनता है 1 मोल, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल, तो 1 मोल से कितना होगा 1/3, और कितने में निकालना है देखो 3/2 मोल में, 3/2 मोल में, तो 3/2 मोल में कितना होगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3/2, 3 से 3 कट के हो गया 1/2 मोल, तो इसका कितना मोल बनेगा एक्चुअल 1/2 मोल, इसके 1 मोल का वेट कितना था 100, तो 1/2 का कितना आएगा 50 ग्राम। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर है। अरे दूसरा तरीका समझ में आ गया, बोलो मेरा बच्चा। चलो एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं लास्ट में, ठीक है बच्चा, हाँ एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूं और मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, इस वीडियो के कमेंट में, और जितने बच्चे सेक्शन को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करके आंसर करेंगे इसका, ठीक है हाँ। और शेयर नोटबुक में भी नोट करना है, शेयर नोटबुक में भी करने हैं सारे न्यूमेरिकल, ठीक है हाँ। अब मैं जाते जाते एक न्यूमेरिकल देके जा रहा हूं, लिखो मेरा बच्चा, और रिएक्शन खुद बनानी है, मैं देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिएक्शन खुद बना लेते हैं, ठीक है लिखो क्वेश्चन क्या है, और ये आपके नितेश सर का स्पेशल क्वेश्चन है, ये NDS सर का हैंडमेड क्वेश्चन है, खुद से मैंने अपने 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 इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाए हैं क्वेश्चन। क्या है बेटा कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद 49 ग्राम 49 H2SO4, कैलकुलेट हाउ मैनी लीटर्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP, ठीक है पहले रिएक्शन बनाना कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए तभी तो CO2 का अमाउंट निकालोगे, ठीक है CO2 की अमाउंट निकालनी लीटर में। दिस इज योर क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, अब अपने अटेंडेंस लगा दो, अपने अटेंडेंस लगा दो जल्दी से, इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में चाहिए, ठीक है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए बाद में, अपने अटेंडेंस लगाओ देन यू कैन गो। रोहित बेटा आप तो काफी दिनों के बाद आए हो, आई थिंक रोहित यादव, अनिकेत, नॉन मेडिकल, अच्छा अच्छा अनिरुद्ध दत्ता, हेलो सर, हाँ जी सर बदली बोलिए, सृष्टि मेडिकल, नमिता मेडिकल, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है अटेंडेंस लगा दीजिए और फिर कल बात करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन सा था, शायद मैंने चौथा पांचवा करवाया है। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।